आखिर क्यों इस तरह की चूक हुई, आखिर क्यों परिस्थितियां ऐसी बनी कि आईटीओ पर कब्जा हो गया उपद्रवियों का। सवाल तो ये उठ रहा है कि ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी सुधांशु जी। अंजना जी, ऐसी परिस्थितियां इसलिए बननी की संभावना दिख रही थी। आपको याद हो, उन्होंने कहा था यह ऐसा एक आंदोलन है जिसका कोई नेता नहीं। जिन नेताओं ने उन 37 शर्तों के ऊपर हस्ताक्षर किए थे, क्या पुलिस बल की तैनाती में कमी रही, क्या आपकी जानकारी में कमी रही, ये तमाम सवाल आज विपक्ष पूछ रहा है, संजय राउत पूछ रहे हैं। लाल किले पर कैसे पहुंच गए ये उपद्रवी? देखिए, अब संजय राउत और शरद पवार को क्या कहा जाए, जिन नियमों का कानूनों का वो विरोध कर रहे हैं वो कानून उनके राज्य में लागू है और खुद सरकार में, पहले हटा दे उन कानूनों को, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग की बात कर रहा हूं फिर बात करें। क्या ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? नंबर वन, उन 37 शर्तों में से एक का भी पालन किसान नेताओं ने नहीं किया, जिसमें यह था कि ट्रॉली नहीं ले जाएंगे, ट्रैक्टर पे 5 से अधिक लोग नहीं रहेंगे, इस रूट का पालन करेंगे, इसके अतिरिक्त कोई हथियार नहीं लेके जाएंगे, लाठी गड़ा से सब लेके गए। नंबर दो, कोई किसान आंदोलन का नेता कहीं नजर ही नहीं आया। अरे आप नेता हैं तो आप नेतृत्व करते हुए चलिए ना। ये बताइए, 40-42 कहते थे किसान की समितियां हैं, आज कौन सा नेता कहां पे किस मोड़ पे खड़ा था और वो गायब हो गए एकदम से। फिर कहते हैं चलिए हमने मान लिया, बाहर के लोग आ गए, आप कहां थे भाई, आपको खड़े हुए दिखना चाहिए था। कई जगहों पर बैरिकेड्स को उठाकर नालों में फेंक दिया गया है, बैरिकेड्स के ऊपर से गाड़ियां। एक तस्वीर है आईटीओ चौक की, जहां पर आप देखेंगे कि गोल गोल ट्रैक्टर को जबरदस्ती घुमाया जा रहा है, पुलिसकर्मी मीडिया कर्मी सभी मौजूद है और ऐसा जान पड़ता है कि उनकी जान को खतरा है। ऐसी परिस्थितियां आखिर किसकी जवाबदेही बनेगी? अंजना जी, मैं सबसे पहले तो व्यक्तिगत तौर पे एक पब्लिक लाइफ में होने के नाते और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते ये जरूर कहूंगी कि लोकतंत्र में हिंसा की लेस मात्र भी जगह नहीं है। जहां हिंसा होगी वहां जरूर चोट पहुंचेगी और वो चोट देश को पहुंचती है। तो जिसने भी हिंसा करी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी, मैं फिर से रिपीट करूंगी, कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। मुझे अच्छा लग रहा है कि आपके टीवी के माध्यम से आप अफवाहों को खत्म कर रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि शायद ये ट्रैक्टर पलटने की वजह से मौत हुई। मुझे ये भी अच्छा लगेगा कि जो आपकी रिपोर्ट कह रही है, मैं फिर से कहती हूँ, लाल किले पर तिरंगे के अलावा किसी भी ध्वज की, कोई भी पार्टी, कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय की कोई जगह नहीं है। लाल किले की गरिमा, उसकी शान सिर्फ और सिर्फ तिरंगे से है। उपद्रवी एलिमेंट्स थे, इसकी जानकारी सुनने में आ रहा है, इंटेलिजेंस को थी, 308 ट्विटर हैंडल्स और कमिश्नर ऑफ फलाना ढिमकाना कहा जा रहा है। अगर उपद्रवी एलिमेंट्स के दिल्ली अंदर घुसने की आशंका थी तो क्या कार्रवाई की गई, यह जरूर पूछा जाएगा। सुधांशु जी, सवाल को नहीं नकार सकते आप। और मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ, कल शाम को नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा कि हमें पता है अगर ऐसा होगा तो किसानों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी होगी, अगर यहाँ पर हिंसा हुई तो। क्या उनको इसके बारे में पहले से पता था? क्या उनको पूर्वाग्रह था, उनका सिक्स सेंस था, तो एजेंसी से शेयर क्यों नहीं किया गया? और अगर ऐसा नहीं था तो क्या ये इस आंदोलन को धूमिल करने की कुछ लोगों ने कोशिश की है? और अगर ऐसा है तो कड़ी कार्रवाई करी जाए। हमारे लोकतंत्र में हिंसा की इतनी सी भी जगह नहीं है। लेकिन मैं सब कुछ कहने के बाद सिर्फ एक बात कहूंगी, किसानों ने 2 महीने तक शांतिपूर्ण आंदोलन किया, ये बात पचानी बड़ी मुश्किल है कि दिल्ली आकर वो इतने उपद्रवी हो गए। आज भी सुधांशु जी जवाब दीजिए, ठीक है, जवाब सुनते हैं, जवाब सुनते हैं, किसान नेताओं के पास भी चलेंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे। सारी बातें बोल गई मगर ये नहीं बोला कि आज साफ बोलिए अब इस आंदोलन का कांग्रेस समर्थन करती है या नहीं, हाँ या ना, बताइए फिर हम सब जवाब। मैं आपको बताती हूँ, ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पर पुलिस ने बर्बरता दिखाई। आप देख लीजिए आंसू गैस के गोले कैसे चलिए कोई बात नहीं, क्यों मुझे रूट्स की ऑलरेडी परमिशन थी उस पर अवरोध क्यों बनाए गए? मैं फिर कहूंगी, शांति आंदोलन का हम समर्थन करते हैं। दिनेश वार्ष्णेय जी, आज लेफ्ट पार्टियों का भी झंडा वहां पर पहुंच रहा था, अब ये तरीका अपनाएंगे आप लोग 26 जनवरी को इस तरह की हिंसा राजधानी में फैलाने, कितना कंट्रीब्यूशन है आप लोगों का? अंजना जी, कोई लेफ्ट पार्टी का झंडा वहां नहीं था, एक भी लेफ्ट पार्टी का कार्डर या नेता वहां नहीं था, वो रैली में चल रहे थे और रैली में वापस अपने अपने बॉर्डर पे पहुंचे हैं, वहां से वो डिस्पैच हुए, बिल्कुल गलत बात है। दूसरा, बीजेपी और सुधांशु जी अराजक तत्वों को नेतृत्व करने वाले बहुत हराई ग्राउंड ना लें, बाबरी मस्जिद में राष्ट्रीय स्मारक तोड़ने में इन्होंने पूरे देश में
दंगे करवाए और देश की धरोहर को नुकसान पहुंचाया। साध्वी प्रज्ञा जो गॉडसे की पुजारी है उसको इन्होंने टिकट दिया, गांधी के हथियारों को इन्होंने रिवॉल्वर पहुंचवाई, ये किसको बात कर रहे हैं? और हम इस हिंसा की निंदा करते हैं, पर हम ये भी मांग करते हैं कि 39 किलोमीटर सिंघू बॉर्डर से वो लाल किलो पहुंच कैसे गए, 42 किलोमीटर वो टीकरी बॉर्डर से बाहर कैसे आ गए, ये हम जानना चाहते हैं। नागलोई पर जब सुबह उन्हें रोका तो हमने उनको रास्ते में बाकायदा वापिस भेजा। क्यों बैरिकेड लगाए पुलिस ने एक्सेप्टेड रूट पे? राकेश टिकट भी ये बात कर रहे हैं, कक्का जी भी ये बात कर रहे हैं कि पुलिस ने जो रूट दिया उस पर बैरिकेड क्यों लगाए? क्योंकि बीजेपी वाले चाहते थे इन्होंने ऐसे तत्व भेजे होंगे जो हिंसा हो, और ये सारे वो किसान हैं जो हमारे नेतृत्व में शामिल नहीं है, ठीक है, ये हमारे लोग ही नहीं है। ये जो हिंसा हुई है और अब जो किसान नेता पल्ला झाड़ रहे हैं, क्या ये सही है? यही आशंका तो जाहिर की जा रही थी ना। ट्रैक्टर एक ऐसी गाड़ी है जिससे अगर आप बहुत तेजी से चलाएंगे पुलिस वाले क्या करेंगे? वहां पर मौजूद अधिकारियों को भी तो एक फैसला लेना पड़ता है ना। अलग अलग लेवल्स है, या तो वो आपको पर आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे, पानी की बौछारें करेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, और जो आखिरी उनका कदम होता है वो गोली चलाएंगे। जाहिर तौर पर पहले दूसरे पर ही वो रुक गए क्योंकि किसान है, इस देश के हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब जब सब पल्ला झाड़ रहे हैं तो किसकी जवाबदेही है? देखिए मैं अंगा जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से देश के 135 करोड़ लोगों को आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आज का दिन जो था हमारी सेना का पराक्रम दिखाने का दिन था, ताकि हमारे विरोधी जो देश हैं उनको एक सबक मिले कि हम क्या है, हमारी सेना कहाँ खड़ी है। अब दूसरे मैं आपके पॉइंट पर आता हूं। देखिए देश के दो सजग प्रहरी, एक खेत का और एक देश की सीमाओं का, लेकिन जो देश जो खेत का सजग प्रहरी है वो आज मतलब देखो दिल्ली में क्या कर रहा है। मास्टर शिवराज देखिए, किसान किसानों का विरोध करने का अधिकार, आंदोलन करने का अधिकार, सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन यह आशंका थी ना कि 26 जनवरी को अगर ट्रैक्टर में चढ़कर इस तरह से आप करेंगे, आखिर कितने जगहों पर नेता उनको संभालेंगे, कितने जगहों पर सलाह लेंगे? आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कोई नहीं आ रहा है सामने आकर जवाबदेही के लिए, सबने पल्ला झाड़ लिया है। आकर उस समय जब 11-12 बजे जब ये बवाल शुरू हुआ था तभी आकर कहते, संदेश देते कि बंद कीजिए इसे, वापस लौटिए, नहीं कह रहे थे। अब ऐसे में किसकी जवाबदेही है मास्टर शिवराज? अंजना जी, हर जो जितने भी जहां जहां भी धरना चल रहे हैं सबके रूट तय थे, सबका समय तय था। भारतीय किसानी लोक शक्ति ने भी 4 घंटा ट्रैक्टर परेड निकाली है, कहीं कोई अराजकता नहीं हुई, पुलिस भी नामांतर के लिए थी, कहीं कोई बैरिकेडिंग नहीं हुई, कहीं किसी की तूती में नहीं हुई, शांतिपूर्वक रैली निकाली गई। मेरा मानना है कि जिन्होंने भी अराजकता फैलाई है, क्योंकि किसान कभी भी देशद्रोही नहीं हो सकता, किसान से बड़ा भक्त देश का कोई नहीं हो सकता, ये कहीं अराजक तत्व तो अलग से घुसे हैं। संगठन में से भारतीय किसान यूनियन का कोई भी कार्यकर्ता इनके अंदर नहीं है, जब जांच होगी सब क्लियर हो जाएगा। हमारी सहयोगी ट्रैक्टर पर मौजूद थी और उनमें से कई लोगों ने बताया कि किस संगठन से वो हैं, वो किसान हैं, और वो सीधा आईटीओ तक पहुंच गए थे। आईटीओ तक की तो इजाजत नहीं मिली थी तय रूट पर, फिर कैसे पहुंचे? क्यों उपद्रव किया? क्यों पुलिस के सामने से गाड़ी जबरदस्ती निकाल ली, दरियागंज होते हुए लाल किला पहुंच गए? जब ट्रेन रूट पर वो जा रहे थे और रैलियां चल रही थी प्रॉपर पीसफुली, अभी तो आप कह रहे थे प्रोफेसर साहब, फिर आपकी गलती पकड़ी गई। आप कह रहे थे हर जगह बैरिकेड लगा दिया है, शिवराज जी कह रहे हैं कहीं बैरिकेड नहीं था, तो आखिर आप लोग तय कर लीजिए कि बैरिकेड थी या नहीं थी। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, सारी तस्वीरें झूठी है, फिर बैरिकेड्स पर ट्रैक्टर चढ़ा दिए गए, बैरिकेड्स धराशायी कर दिया गया, उसको उठा के नालों में फेंक दिया गया। गंभीरता तो समझिए आप दिनेश जी। अरे आपके सामने बोले अंजना जी, आपने तो दिखाई है वीडियो आलोक कुमार की, मैंने तो नहीं दिखाई, आपने दिखाई है। उन्होंने कहा है कि हमने बैरिकेड लगाया 2 घंटे, समझाए इसका मतलब 2 घंटे वहां बैरिकेड रहा है। 2 घंटे कितने बजे से कितने बजे? 10 बजे पहुंच गए थे और उससे पहले 11:45, यही होता है ना सर, अगर आप 26 जनवरी की परेड देखते। अच्छा ठीक है दिनेश वार्ष्णेय जी, मुझे बताइए 26 जनवरी की परेड कितने बजे खत्म हुई थी? कितने बजे खत्म हुआ 26 जनवरी की परेड, आपने देखी या नहीं पता चल जाएगा, मुझे बताइए।
बता देता हूँ, 11:40-45 के आसपास ये परेड खत्म हुई है, ठीक है। उसके बाद मोदी जी रात पर चले हैं बकायदा। हाँ, तो 10 से 12 बजे तक बैरिकेड्स लगाई गई थी ना सर।